इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी नागपुर। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के जिला नागपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी में दशलक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर विस्मिता श्री शुद्ध ज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 16 से 19 सितंबर 2024 तक प्रदर्शनी, माता जी के प्रवचन, अभिषेक, पूजन, सम्मान एवं क्षमावाणी पर्व मनाया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य छुल्लिका रत्न 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूज्य छुल्लिका रत्न 105 विगम्या श्री माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर श्रद्धा एवं उत्साह के साथ क्षमावाणी पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज द्वितीय एपिसोड के माध्यम से देखते हैं क्षमावाणी की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र राज्य के जिला नागपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी में परम पूज्य क्षुल्लिका रत्न 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूज्य क्षुल्लिका रत्न 105 विगम्या श्री माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से दशलक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 16 से 19 सितंबर 2024 तक प्रदर्शनी, माता जी के प्रवचन, अभिषेक, पूजन, सम्मान एवं क्षमावाणी पर्व मनाया गया। 19 सितंबर 2024 को क्षमावाणी पर्व की शुरुआत मंगल यात्रा के साथ हुई। मंगल यात्रा में भक्तों ने हाथों में धर्म ध्वजा लेकर सहभागिता की। बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ निकल रही मंगल यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां पर भक्तों ने तीर्थंकर भगवंतों का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रभु की शांत धारा कर जगत कल्याण की मंगल भावना भाई। नमो गौर तवाणम, नमो गौर गुणाणम, नमो गौर परक्रमाणम। शांति धारा के तदोपरांत भक्तों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पूजन के अवसर पर पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों ने हाथों में दीपकों की थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। आरती के पश्चात परम पूज्य क्षुल्लिका रत्न 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूज्य क्षुल्लिका रत्न 105 विगम्या श्री माता जी ने भक्तों को क्षमावाणी महापर्व के बारे में समझाया। क्षमावाणी साल में 3 बार इसलिए सेलिब्रेट होती है, उसके पीछे कर्णानुयोग का एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है बता दूं? ये सिद्धांत है कि 6 मंथ के अंदर अंदर यदि आपने किसी के साथ भी अनबन है अथवा किसी से भी मन मुटाव है, किसी से द्वेष है, किसी से वैर है, और 6 मंथ के अंदर अंदर आपके इनर क्लीनिंग नहीं हुई, राइट? तो नियम से वो जीव मिथ्या दृष्टि है और नियम से वो जीव नरक जाएगा। ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जिन जिन लोगों से जीवन में चलते चलते, जैन धर्म किसी से वैर रखना नहीं सिखाता, बट चलते चलते ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि उनसे राग द्वेष वैर झगड़ा और गृहस्थी में ये सब बहुत बढ़ जाता है, तो 6 महीने क्या व्यक्ति ये सोच लेता है कि 6 जन्म तक तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ठीक? इतनी कषाय आ जाती है कि 6 जन्म तक तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो आज बैठ के चेकिंग का दिन है, राइट? आज तैयार होने का दिन नहीं है, अंदर से तैयार होना है।
राइट, अंदर से बैठकर चेक करना है कि मुझे किन किन के साथ मेरे वैर है, किससे मैं बात नहीं करता हूँ, किससे मेरा द्वेष है, किस किस से मेरी पूरे साल भर में प्रॉब्लम हो गई है, साल भर में नहीं 4 महीने में, राइट। तो जिन जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम की लिस्ट आपके पास आती है, आपका कॉन्शियस आपको बता देगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। रात का टाइम था, उसने बोला कि रात में चलो सुबह तक पहुँच जाएंगे। नाव चालू कर दी, चलाते 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 चलता गया, नाव चलती गई, नाव चलती गई, वो चलाते हैं और जा कर के क्या हो गई, सुबह हो गई। और सुबह होकर देखता है कि मैं जहाँ था कि वहाँ पर ही हूँ। क्या देखा? जहाँ पर कड़ा था वहाँ पर ही कड़ा हूँ। गुरु माँ के प्रवचनों के बाद श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री राकेश जी पाटनी ने सभी से क्षमा याचना करते हुए अपने मनोभाव व्यक्त किए। माता जी ने क्षमा, क्षमा यह शब्द नहीं बल्कि एक गहरा भाव है। क्षमा एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरा भाव है जो हमें एक दूसरे की आत्माओं से जोड़ता है, जो हमें हमारी गलतियों को समझाने और सुधारने की प्रेरणा देता है। सर्वप्रथम मैं हमारे मंदिर में विराजमान सभी अरिहंत सिद्ध भगवान जिनवानी माता, पद्मावती माता एवं क्षेत्रपाल बाबा से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि हम सब अभिषेक पूजन करते समय हमारे से उनका अभिनय होता है और जिनवानी माता को उठाने में रखने में जो भी अभिनय होता है उस सभी के लिए मैं उन सभी से क्षमा याचना करता हूँ। मंच पे विराजमान हमारी गुरु माता से भी क्षमा याचना करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी के बाद महिला मंडल की ओर से श्रीमती शालिनी जी कासलीवाल ने क्षमा याचना कर क्षमावाणी पर्व मनाया। क्षमा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये पर्व हमें यह सिखाता है कि क्षमा मांगने से कभी यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और वो सही। क्षमा का असली महत्व मतलब तो यह है कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं, उनसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। सबसे पहले मैं क्षमा मांगती हूँ उस वीर प्रभु से जिनकी पूजा करने में, दर्शन करने में, आराधना करने में, विनय करने में अगर मेरे मन वचन का ऐसे कोई गलती हुई हो, अभिनय हुआ हो तो हमें क्षमा करें। जिनवानी जी को पढ़ने में, सुनने में, उच्चारण करने में, पूजा करने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। मुझसे जो भी गलतियां हुई हो, त्रुटियां हुई हो, अभिनय हुआ हो, अनादर हुआ हो, उन सब के लिए मैं हाथ जोड़कर वीर प्रभु से क्षमा प्रार्थी करती हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। श्रीमती शालिनी जी कासलीवाल के बाद युवा वर्ग की ओर से श्राविक पाटनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्षमा याचना की। हम अपनी बुक्स किताबों की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। आरडी शर्मा पढ़ लो, एचसी वर्मा पढ़ लो, सब क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे। उसी प्रकार एज ए यूथ हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शास्त्र जिनवाणी का भी उसी मन से पढ़े और उसका प्रचार करें। कभी भी जिनवाणी यूज़ करने में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे गुरु मतलब माता जी की बहुमूल्य क्लासेस उनके प्रवचन में आने में हम असक्षम रहे। उनके द्वारा जो धर्म का ज्ञान दिया जा रहा था हम उसे प्राप्त नहीं कर पाए, उसके लिए तहे दिल से माता जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अरे अरे दोस्त, तू कितना लकी है यार, तेरे पास तो आईफोन है, मर्सिडीज है, एप्पल वॉच भी है। ये सब बोलते बोलते हम कई बार मन ही मन अपने माता पिता को कोस देते हैं, ये भी सोच लेते हैं कि उनके कारण हमारे पास महंगे वस्तुएं नहीं हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं कि कैसे वो अपने दिन रात एक करके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य रखते हैं कि उनके बेटे को वो सब कुछ मिले जो वो खुद नहीं पा सके। हम उनकी और उनकी बातों को बहुत बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उनका जो प्यार हमारे प्रति है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इन सब के लिए हम अपने माता पिता से क्षमा चाहते हैं, उत्तम क्षमा। पर्व पर अपना मार्गदर्शन देते हुए माताजी ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। पिज्जा का बॉक्स देखा है कैसा होता है, सेप कैसा होता है पिज्जा के बॉक्स का, स्क्वायर। जब बॉक्स खोलते हैं तो कैसा होता है पिज्जा, राउंड। और जब पिज्जा को ब्रेक करते हो तब कैसा होता है, ट्रायंगल। बॉक्स का सेप स्क्वायर,
पिज़्ज़ा इन इन राउंड शेप और जब उसको ब्रेक करते हैं तब ट्राइंगल, तो क्या कहीं पिज़्ज़ा वाली हालत हमारे जीवन में तो नहीं है? हमारा बाहर का कुछ और है, अंदर कुछ और है और सोचते कुछ और है। तो ये कंडीशन हमारे जीवन में यदि है तो मन, वचन और काय तीनों को एक करके क्षमा याचना करें। श्राविक पाटनी के बाद प्रीति आग्रेकर ने बालिका एवं श्राविकाओं की ओर से अपनी बात रखते हुए क्षमा निवेदन किया। इन उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त गुणों की पूजा कर भक्ति से उन्हें धारण करना, अंत में क्षमा भाव से चेतना को जागृत करने का यह उत्तम क्षमापणा पर्व है। यह क्षमापणा पर्व हमें आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करना सिखाता है। केवल उत्तम क्षमा कहने मात्र से क्षमा भाव उपस्थित नहीं हो सकता। आइए हम अपने मन वचन आचरण को देवशास्त्र गुरु की उपस्थिति में टटोलते हैं और उन सभी चीज़ों के प्रति क्षमा भाव प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने जाने अनजाने किया हो या उनकी अनुमोदना करी हो। प्रीति आग्रेकर के बाद माताजी ने सभी भक्तों से क्षमा याचना करवाई। हे जिनवाणी माता, हमें क्षमा प्रदान कीजिए। हे पूज्य गुरुवर, आप हमें क्षमा प्रदान कीजिए। अगले क्रम में चातुर्मास समिति के संयोजक ने भी समाज के सभी सदस्यों की ओर से गुरु माँ को नमन करते हुए उनके समक्ष क्षमा भाव रखे। हम सभी ने, परम पूज्य माता जी ने हमें क्षमा क्या होती है यह बहुत ही अच्छे से समझाया। दक्ष लक्षण पर्व का ये अंतिम चरण में हम यहाँ पर सभी उपस्थित है और ये क्षमावनी आज इस पावन पुनीत पर्व पर गुरु माँ के चरणों में हम सभी की ओर से त्रिवार इच्छामी इच्छामी करते हुए, जैसा कि श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट और मैं संयोजक होने के नाते चतुर्मास समिति का, परम पूज्य माता जी जानकर अगर हमसे कोई गलती हो तो आप हमें उनका प्रायश्चित देके हमें शुद्ध करें। क्षमावाणी के इस पावन पुनीत अवसर पर भक्तों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। माता जी के पाद प्रक्षालन के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला जिसमें व्रतियों के साथ अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्वागत सम्मान के बाद अध्यक्ष जी और समाज के वरिष्ठ जनों ने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से कार्यक्रमों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आज यहाँ पर हमने क्षमावनी पर्व मनाया। मैं हमारे समाज के वरिष्ठ संजय जी बड़जात्या उनसे कहूँगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले सभी को जय जिनेन और सभी से इस महापर्व क्षमावनी की हमारी ओर से क्षमा प्रार्थना। वैसे तो यहाँ गत कई दिनों से हमारी माता जी परम पूज्य शुल्लिका रत्न विस्मिता जी और विगम्य श्री माता जी के सानिध्य में धर्म प्रभावना यहाँ जारी है, किंतु इस बार का जो पर्युषण पर्व था वह अद्भुत और अद्वितीय माना जाएगा, क्योंकि इस दौरान उन्होंने जो हमें यहाँ पर में जैनिज्म की जो फिलॉसफी है उसका तो ज्ञान दिया ही है। संत नगरी में श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट में जूनी शुक्रवार में माता जी का भव्य चातुर्मास चल रहा है। यह चातुर्मास महती धर्म प्रभावना से चल रहा है और इस चातुर्मास में शिव खंडेलवाल जैन ही नहीं पूरे नागपुर के सभी श्रावक सकल दिगंबर जैन समाज एक बहुत ही ज्ञान का लाभ ले रहा है। महोत्सव के अंतिम पलों में पूज्य माता जी ने एक विशेष साक्षात्कार के द्वारा अपने राग से वैराग्य के बारे में बताया। इतना पढ़े हैं आप, निर्मा यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो आपको इजीली नेम, फेम, मनी, जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में इम्पोर्टेंट, सब आपको अच्छे से मिल सकता था। तो माता जी, ये वैराग्य की भावना आप में एकदम से कैसे उत्पन्न हुई? एक तो संयोग हो सकता है और एक होता है व्यक्ति का पुरुषार्थ। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी लाइफ में दो एम थे। फर्स्ट ये था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। वो इसलिए बनना था कि पापा के 3-4 मार्क्स कम आए थे, तो मुझे ऐसा था कि उनका ड्रीम फुलफिल करूँगी। और फिर मेरे मन में भी ऐसे
छोटा बच्चा जो सोचता है उसने सोच लिया कि तीन चार मार्क्स उसके उनके कम आए थे, यदि मेरे भी कम आए तो मेरा क्या होगा, तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि डॉक्टर होता है वो दुनिया का दूसरे नंबर का भगवान है, एक तो जो भगवान है और दूसरे वो, फिर मेरा क्या होगा। तो मैंने सोचा कि या तो मैं डॉक्टर बन के लोगों की खूब सेवा करूँगी, पापा का ड्रीम फुलफिल करूँगी, वो नहीं बन पाऊँगी तो फिर मैं माता जी बनूँगी, यानी संसार का हाईएस्ट लेवल वो उस समय समझ में आता था। और फिर यदि वो पाथ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की ओर आए तो ये लेवल समझ में आता था। तो बचपन यानी बच्चे दिमाग ने वो सोच लिया था, और फिर सोचते सोचते रोज़ भगवान के दर्शन करना और यही बोलना कि या तो डॉक्टर बनाना, या डॉक्टर ना बन पाऊँ तो आपके रास्ते पे चलने की शक्ति देना, तो ऐसा रोज़ सोचती थी। और सोचते सोचते जीवन बीतता गया, आगे बढ़ते गए, मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर नहीं बन पाई, बट इट्स ओके, मन में वो चीज़ थी कि मुझे माता जी बनना है, बट डॉक्टर नहीं बन पाई तो दूसरे स्टूडेंट्स को जैसे होता है कि डिप्रेशन में आना, कि उनको बहुत ख़राब फील होना, तो मेरी कंडीशन भी वही थी, क्योंकि मैं कोई उस समय बहुत स्पिरिचुअल अथवा कोई समझाने वाला अथवा कार्मिक फिलोसॉफी ये सब मुझे नहीं समझ में आता था, जैसे नॉर्मल बच्चे होते वैसे ही थी। तो बहुत डिप्रेशन में आना अथवा अंदर से बहुत गिल्टी फील होती थी कि देखो मैं इतना भी पापा का नहीं कर पाई, जबकि मेरे पर कोई प्रेशर नहीं था, इट्स ओके, पर फिर भी मुझे बहुत फील होता था। फिर मन में एक बार शांति से सोचा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, बट इट्स ओके, मैं इंजीनियर तो बन ही गई, और अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, वहाँ पे भी अच्छे रैंक आ रहा था, सब था, पर मन में एक था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। फिर एक बार मन में आया कि अब माता जी तो बनना ही है, तो एक तो ये ड्रीम पहले से प्री डिसाइडेड था, और दूसरा मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी अथवा अच्छी सिटी और सब कुछ मॉडर्निज्म में रह कर के भी ये भाव मेरे इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहे कि मुझे जैनिज्म पे फेथ बहुत था, इतना फेथ था कि जैनिज्म इज़ ट्रू पाथ, आता जाता कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, बस फेथ था, और इस पाथ पे चलते हैं तो मोक्ष मिलता है, तो कभी ना कभी इस पाथ पे तो आना ही है, तो अपन जब इस बार ड्रीम है ही तो मुझे करना है चाहे कैसा भी हो। जैसे सब देख सकते हैं हमारी प्रदर्शनी काफ़ी खूबसूरत बनी है। तो माता जी आपने आप जैसे सिर्फ कॉस्मोलॉजी में आपका इंटरेस्ट क्यों रहा? हाँ, एक्चुअली मुझे जैनिज्म के हर एक अनुयोग में इंटरेस्ट है, बट ये बात मेरा तब से 2006 से माइंड में थी कि मुझे, हाँ, इसरो के एक्सपीरियंस से कि मुझे जैन कॉस्मोलॉजी पढ़ना है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है यूनिवर्स और ये वो, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। बाकी मुझे द्रव्यानुयोग के ग्रंथ भी बहुत, इवन चारों अनुयोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी इस पर ज़्यादा स्टडी किया है, ये एक बार कंप्लीट होगा फिर दूसरे टॉपिक को अथवा दूसरे अनुयोग को भी मैं कोई नए फॉर्म में करने का ट्राई करूँगी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र राज्य के जिला नागपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी में परम पूज्य छुल्लिका रत्न 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूज्य छुल्लिका रत्न 105 विगम्या श्री माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से दस लक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत मनाए गए क्षमावाणी पर्व की विशेष झलकियाँ। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आगे, और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी नागपुर।